पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने मतलब PGCIL ने अपना रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को पोस्टपोन कर दिया है। वो रिक्रूटमेंट थ्रू गेट 2021 करने वाले थे बट अभी वो पोस्टपोन हो चुका है। तो क्या पावर ग्रिड इंडिया रिक्रूटमेंट करने वाली है थ्रू गेट 2021? और अगर रिक्रूटमेंट करने वाली है तो ये रिक्रूटमेंट कब होगा? सभी के रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहूँगा। अगर आप गेट 2022 या फिर गेट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि गेट और ESE के जो लेजेंड्स हैं उन्होंने अर्न अकेडमी ज्वाइन कर ली है। तो अगर आप उनसे कोचिंग लेना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उससे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस सब्सक्रिप्शन से आप रविंद्र बाबू रघुरा सर से, विष्णु एस सर से या सुब्बा राव रेड्डी सर से कोचिंग ले सकते हो। इन सभी को 15 साल से ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है। अगर आप इनसे कोचिंग लोगे तो डेफिनेटली आप गेट 2022 या फिर गेट 2023 को आराम से क्रैक कर लोगे। और एक इंपॉर्टेंट बात है गेट 2021 मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए, तो मैकेनिकल का जो पेपर एनालिसिस होने वाला है अनअकैडमी के चैनल्स पे 14 फरवरी को, जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा फर्स्ट पेपर, तो 12:45 को आपको गेट ME 2021 का लाइव पेपर डिस्कशन शुरू हो जाएगा। 1 बजे आपको आस्क योर डाउट लाइव सेशन मिल जाएगा। 6:15 को आपको गेट पेपर 2 मिल जाएगा, जो ME का पेपर 2 होने वाला है। सेम थिंग आपको 6:30 PM को आप अपने डाउट पूछ सकते हो गेट 2021 का मैकेनिकल का सेकेंड पेपर, और रात को 10 बजे आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर गेट 2021 मैकेनिकल ब्रांच के लिए मिल जाएगा। इन सभी चैनल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। आप कोई भी अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेते समय मेरा कोड जरूर यूज़ कीजिए, जो कि इनोकुलेटर KNOWCULATOR, जिससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो 10% का डिस्काउंट है वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्दी से जाके इसका फ़ायदा उठाइए। तो अभी बात करते हैं कि आप पावर ग्रिड इंडिया रिक्रूटमेंट करने वाली है तो उनकी वेबसाइट पर क्या चीज़ें मिलती है वो हम देखते हैं पहले। तो यहाँ पे मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ, ये पावर ग्रिड की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो उन्होंने बताया कि वो रिक्रूटमेंट तो करने वाला है थ्रू गेट 2021, बट शायद से उन्होंने वो जो चीज़ है वो पोस्टपोन कर दी है। तो पहले मैं यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन ओपन कर देता हूँ अलग टैब में, जहाँ पे हम पूरा चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे रिक्रूटमेंट का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। प्लस उन्होंने अभी 11 जनवरी को बताया था, एक्चुअल में ये रिक्रूटमेंट 15 जनवरी को स्टार्ट होने वाला था, बट इन्होंने 11 जनवरी को एक अपडेट किया था कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो 15 फरवरी से स्टार्ट होगा, मतलब 1 महीना एक्सटेंड कर दिया था। अभी फिर से उन्होंने एक नोटिफिकेशन दे दिया है यहाँ पे, जो नोटिस नंबर 2 है। इस नोटिस 2 में क्या है देखते हैं। अभी फिर से नोटिस लगा के उन्होंने बता दिया कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो 15 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए कि ये रिक्रूटमेंट है पावर ग्रिड इंडिया का, वो रिक्रूटमेंट कंफर्म होने वाला है, बट अभी इसका डेट है वो एक्सटेंड हो चुका है। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आप 15 मार्च से भर सकते हो, तो 15 मार्च तक वेट कीजिए। डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग नया वीडियो आ जाएगा चैनल पर, और आपको अपडेट कर दूंगा कि आप पावर ग्रिड इंडिया में अप्लाई कैसे कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग मैं अभी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको। तो उसके लिए नोटिफिकेशन मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो पूरी चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर आप BE BTEC किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, BSc इंजीनियरिंग। प्लस यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल इंजीनियरिंग वाले सिर्फ एलिजिबल है, मतलब ये 3 ब्रांच वाले एलिजिबल है। प्लस आपको मिनिमम 70% क्राइटेरिया आपके BE में होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। अगर आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा और आपको बताऊंगा कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हो। पूरे प्रोसेस में आपको मैं गाइड करने की कोशिश करूंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही PSU और गेट अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।